यहाँ पे ऑलमोस्ट 7 इंच का डिफरेंस होगा। और ये टेक्निक आपने देखी कितनी एक्यूरेट है दोस्तों, टेल गेटिंग कर रहा हूँ दोस्तों आपके लिए। अब इससे और करीब में जाता हूँ। अब जैसे ये सामने वाली गाड़ी है, ये ऊंची है। दोस्तों स्वागत है आपका ड्राइव सेंस के एक और नई वीडियो में, मैं हूँ आपका दोस्त अमित। कई लोगों ने कमेंट करा था कि सर हम फ्रंट बोनट का जजमेंट कैसे करें जब हम पार्किंग करते हो या फिर ट्रैफिक में चलते हो, तो आज का वीडियो मैं दो पार्ट में डिवाइड करने वाला हूँ। पहला जिसमें मैं आपको ऐसी जगह पार्क करके बताने वाला हूँ जहाँ पे हमें सामने का सरफेस दिखाई नहीं देता है और आगे थोड़ा सा हर्डल है तो हमारा बम्पर टच नहीं होना चाहिए, एक वो कंडीशन बताऊंगा जो सामने से दिखाई नहीं देता है, ठीक है। और एक कंडीशन में मैं आपको ट्रैफिक में चल के बताऊंगा ट्रैफिक में किस तरह से गाड़ियों का फ्रंट का जजमेंट ले सकते हो। बहुत ही इजी टेक्निक है, दोनों टेक्निक बहुत ही सिंपल है, आपको बस ये कि थोड़ी सी प्रैक्टिस जरूर करना पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आप ये देख सकते हो सामने जो है शॉप है, शॉप बंद है और वहां पे देखो सामने आपको वो दिख रहा है, थोड़ी सी पट्टी दिख रही है, थोड़ी सी उठी हुई है, वो है कम से कम इतनी मतलब बोल सकते हो आप 5 इंच उठी हुई है। और वहां पे मेरे को अपनी गाड़ी पार्क करना है। अब मैं एंगल सेट करता हूँ मेरी आंखों से जैसा मुझे दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हो मेरी आंखों से मुझे ये चीज दिखाई दे रही है। अब मेरी गाड़ी उस एरिया से काफी दूर है, मैं आपको बाहर चल के बताता हूँ। तो दोस्तों देख सकते हो मेरी गाड़ी कितनी दूर है, कितनी डिस्टेंस पर है। अब यहाँ पे मुझे वहाँ पे लगानी है गाड़ी, ठीक है। अब हम वापस गाड़ी के अंदर चलते हैं और टेक्निक बताता हूँ। टेक्निक को अच्छे से आप फॉलो करना, शुरुआत में हो सकता है थोड़ी सी दिक्कत आए लेकिन आप कर पाओगे। अब यहाँ पे आपको किस चीज़ का सहारा लेना है बताऊँ, आपको सहारा लेना है अपने ORVM का, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा आगे चलता हूँ और मैं फिर आपको बताता हूँ कि क्या सहारा लेना है, ठीक है। अभी हम धीरे धीरे आगे की ओर चलते हैं। जैसा मुझे दिख रहा है ना एक्चुअल आंखों से, सेम वही दिखाने की मैं आपको कोशिश कर रहा हूँ। इधर का ध्यान मत दो, आपको सामने देखना है। ये गाड़ी भी दिख रही है मेरे को, जितनी ए पिलर तक मुझे दिख रही है ना एक्चुअल आंखों से, सेम आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है। फ्रंट का भी आपको सेम दिखाई दे रहा है। अब थोड़ा सा मैं कैमरा ऊंचा करता हूँ तो आपको देख लो वो जो पिलर, वो जो दिख रहा है ना फुटपाथ का वो हिस्सा, वो नहीं दिख रहा है। सेम मुझे भी यहाँ से ऐसे नहीं दिख रहा है। अब मुझे गाड़ी लगानी है तो मैं आगे चलता हूँ, धीरे धीरे आगे चलता हूँ। और अब मुझे कहाँ पे देखना है, आप देखो मुझे तो दिखाई नहीं दे रहा है, वो रेड पट्टा आ गया, देख सकते हो आप, अभी आप देख सकते हो बहुत आगे आए हैं वो, और एक्चुअल में यहाँ से इतना मुझे दिखाई दे रहा है। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे मुझे अपना ORVM चेक करना है। अब होगा क्या, ये जो पीछे वाला पोर्शन देख रहे हो ना, अब ये वाला पोर्शन आपको यहाँ तक लेकर के आना है, ORVM के नीचे वाले हिस्से तक, ठीक है। हम चलते हैं, देखो आते जाएगा, इस पे ध्यान देंगे हम, सामने ध्यान नहीं दे रहे हैं, इस पे ध्यान दे रहे हैं। देखो आते जा रहा है, आते जा रहा है, आते जा रहा है। हम धीरे धीरे चलेंगे सेफ्टी को भी ध्यान में देते हुए। अब दोस्तों देख सकते हो यहाँ पे, देख सकते हो यहाँ पे जो मेरा ORVM है, जो फुटपाथ है उससे एकदम टच हो गया है। अब यहाँ से हम बाहर निकल के चलते हैं और आपको बताते हैं कि सेफ तरीके से हम वहाँ पर पार्क कर पाए हैं या नहीं कर पाए हैं, वो चीज आपको देखने को मिलती है। तो चलिए बाहर चलते हैं। ये देखो दोस्तों कितनी पास अपनी गाड़ी टच हुई है, यहाँ पे ऑलमोस्ट 7 इंच का डिफरेंस होगा। और ये टेक्निक आपने देखी कितनी एक्यूरेट है दोस्तों, एक बार और क्लियर कर लो। ये देखो ORVM से बिल्कुल नीचे का जो पट्टा है एकदम टच है, मतलब ये है कि आपको फ्रंट का बोनट का जजमेंट करना है पार्किंग लेते समय तो इससे ले सकते हो आप, बहुत इजी टेक्निक है। दोस्तों ये तो हो गई हमारी गाड़ी, हम पार्क करते हैं तब की कंडीशन की, हमें कितनी पास लेकर के जानी है। अब एक कंडीशन होती है ट्रैफिक में जब हम चलते हैं, अब हो सकता है कैमरा थोड़ा ऊपर नीचे सेट होगा लेकिन यहाँ पे मुझे प्रॉपर दिख रहा है कि मैंने उसका बम्पर ढक दिया है। टेल गेटिंग कर रहा हूँ दोस्तों आपके लिए, एक लाइक बन जाए इसी बात पे। तो देखो मैं यहाँ प्रॉपर डिस्टेंस पे हूँ, अब आगे रुकेगी गाड़ी तो और समझाऊंगा मैं, ठीक है। अभी ग्रीन है, निकल ना जाए गाड़ी, रेड हो जाएगा तो रुक जाएगी गाड़ी, तो फिर बताऊंगा मैं प्रॉपर आपको, ठीक है। अब यहाँ पे देखो मैं कैसे करता हूँ फ्रंट जजमेंट। अब देखो ये डिस्टेंस ऐसी है, यहाँ से मुझे टायर दब गए इसके, इस गाड़ी के, मतलब थोड़ा और करीब में इसके जा सकता हूँ, ठीक है। अब मैं इससे और पास चलता हूँ, ठीक है। अब नंबर प्लेट तो नहीं ढकेगी इसकी, अब जैसे कि यहाँ पे इसका पूरा बम्पर
जो डिक्की है ना, डिक्की का जो वो है वो दब गया है। अब इससे और करीब में जाता हूँ, अब यहाँ पे क्या है, मैं इसके नंबर प्लेट तक आ गया। अब ये एक सेफ डिस्टेंस है दोस्तों, इससे थोड़ी सी और आगे में गया, मतलब एक फिट का डेढ़ फिट का डिस्टेंस बचा होगा इसका और अपनी गाड़ी का। अब इतनी डिस्टेंस तो मेंटेन करके चलना ही पड़ती है दोस्तों। अब इसके अलावा कोई दूसरी गाड़ी हो उसका भी मैं आपको बताता हूँ कि उसका कैसे हम फ्रंट का जजमेंट करेंगे। ये चीज़ तो आपको समझ में आ गई। अब जैसे ये सामने वाली गाड़ी है, ये ऊँची है, अब इसकी नंबर प्लेट तो दबती नहीं, तो बस मेरे को इसका ध्यान रखना है, इसका जो बम्पर है टायर के ऊपर वाला जो पोर्शन दिख रहा है जहाँ पे इसके रिफ्लेक्टर्स लगे हुए हैं, बस उसको दबाना है मुझे। वो दबा लिए मतलब मैं एक मतलब मेरी डिस्टेंस से बहुत करीब है, इससे आगे मुझे नहीं जाना है। देख सकते हो ये गाड़ी के कितने करीब हूँ मैं, सेफ डिस्टेंस पे चल रहा हूँ मैं, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि इसका बम्पर पूरा दब चुका है, तो इससे ज़्यादा पास में नहीं जा सकता। अगर इससे ज़्यादा पास गया, अगर उसने ब्रेक मार दिया गलती से और मैं नहीं संभाल पाया, तो मेरा और उसका एक्सीडेंट हो जाएगा और ठुका कौन मैं पीछे से, तो मेरा फॉल्ट हो जाएगा। तो इस तरह से आपको फ्रंट जजमेंट करना है, बहुत ईजी है। शुरुआत में दिक्कत आ सकती है लेकिन हो जाएगा धीरे धीरे, कोई भी नई चीज़ रहती है उसको सीखने में दिक्कत तो आती है। तो यही है दोस्तों आज का वीडियो, आई होप आपको काफ़ी कुछ समझ में आया होगा। वीडियो समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुँचते रहें। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड गुड बाय।